यार सीन कुछ यूं है कि व्लॉग तो काफ़ी दिन पहले आने वाला था, लेकिन पहले बता दूं, शुरू से बताता हूं, पहले सीक्वेंस वरना ख़राब होगा भाई। हमारे हो गए थे पेपर ख़त्म, हम आ गए सुकून में अमन में कि पेपर तो हो गए ख़त्म, अब आराम से नींद पूरी करेंगे, व्लॉग व्लॉग बनाएंगे, ज़िंदगी आराम से जिएंगे। लेकिन क्या पता था एक दो दिन बाद ये सीन हो जाएगा। खैर पेपर ख़त्म हुए और अगले दिन ये फ़ोन आया और उसमें पता चला कि भाई हमारे मामू का इंतकाल हो गया। अब व्लॉग तो क्या, घर में अजीब ही सीन हो गया, मतलब सीन ही ऑफ हो गया सारा, घर में भी, मामू के घर पे भी। अच्छा आजकल पता नहीं क्या सीन होने लगा है कि सडन डेथ होने लगी है, मतलब ना कुछ है, एकदम से अचानक से खबर आती है कि भाई इंतकाल हो गया। अच्छा अगर बंदा बीमार वगैरह हो ना तो बंदा फिर भी पॉसिबिलिटी रखता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, तो एक माइंड बना शुरू हो जाता है। लेकिन सडन डेथ में एक अजीब सा सन्नाटा मतलब हो जाता है, क्योंकि बंदा बंदे को समझ ही नहीं आता, हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बंदे को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। उनसे जो रिलेटेड घर वाले उनके या उनसे जो दूसरे प्यार करने वाले हैं भाई, सब सन्नाटे में आ जाते हैं कि एकदम अचानक हुआ क्या है। तो खैर यही सीन हुआ कि हमारे मामू हाथ धो रहे थे और अचानक से गिरे और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अब जब खबर मिली तो सीन ऑफ, मतलब क्या व्लॉगिंग क्या कुछ। तो 5-6 दिन उनके घर आना जाना, फिर सारे चीज़ें वगैरह उसमें निकल गए। तो अब फारिग होने लगे हैं तो मैंने कहा यार अब चलो व्लॉग बना लेते हैं। और आजकल गर्मी ऐसी पड़ रही है यार, दोपहर में तो क्या छोड़ो, रात में भी ऐसी गर्म हवा चल रही है, लमाफ करें कि निकलने का दिल ही नहीं करता। लेकिन खैर जो काम कर रहे हैं भाई वो रात में क्या, वो तो दिन में भी निकलेंगे। तो मैं क्या बताता, मैं बताता कि नई एक जगह खुली है, मैंने कहा वहाँ चल के कुछ खाते हैं पीते हैं। और वो खुली कहाँ है, वो करीब ही है जगह, और वहाँ पे आते जाते मैं देख रहा था भाई इतना रश हो रहा था, मैंने कहा यार यहाँ का ट्राई करना पड़ेगा, मस्ट है, अब तो देख लिया, अब ट्राई करना पड़ता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलते हैं और चल के ट्राई करते हैं। अभी सब नहीं बताता वरना फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, पहले देखो फिर बताता हूँ। और फिर अगर दिल करे तो कमेंट में बताना कि क्या था, कैसा लगा, अच्छा है या बुरा है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ठोक दो, और फिर आ जाओ बाकी बातें बाद में। पहला है चिकन शाशलिक विथ राइस, दूसरा है सिंगापुरी राइस, तीसरा है एग चाउमिन, चौथा है चिकन चिली ड्राई विथ राइस, और चौथा है थाई कंग पाओ। अच्छा मैंने भाई से इसलिए नहीं पूछा यार रश इतना हो रहा है, मैंने कहा भाई काम में लगे हुए छोड़ो, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। इसकी प्राइस ही 7 साल दिखी हुई है, टाइमिंग वगैरह कोशिश करता हूँ अगर भाई से बात हो जाए तो, मुझे नहीं लग रहा कुछ होगी कि अभी आके खड़े हुए हैं और रश इतना शुरू हो गया कि बस पूछो नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं सही लगेगा या नहीं लगेगा, तो देख लेते हैं, अगर हुआ तो सही है वरना पर खुद ही बता दूंगा जितना भी पता हो। बात कुछ हुआ है कि मैंने कहा अंकल से इंटरव्यू लूँगा, तो भाई अंकल इंटरव्यू देने के मूड में नहीं है, क्योंकि सही बात है रश बहुत हो रहा है, आपने देख लिया होगा। दूसरी बात ये कि थोड़ा रोड के पीछे आके बना रहा हूँ, क्योंकि उस वहाँ पर रोड पे इतना रश हो रहा है कि मैंने कहा आवाज़ पता नहीं आएगी या सही नहीं आएगी, मैंने कहा पीछे आके बताता हूँ, जो भी मुझे खड़े होकर पता चला वो बता देता हूँ। भाई दरअसल बात कुछ हुआ है कि अंकल को खोले हुए 15 से 16 दिन हुआ और माशाल्लाह रश इतना अंकल के पास कि अभी आते ही फ़ौरन से ऐसा रश आ गया, हालाँकि लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब आएँ और कब खरीदें, ये सीन था। उसके बाद अंकल के पास दो चीज़ें जो बहुत चल रही हैं वो मैंने देखा, एक कंग पाव और एक शाशलिक, ये बहुत रनिंग आइटम है जो चल रहे हैं, अब खा के भी टेस्ट करते हैं कि क्या सीन है। तीसरी बात ये कि भाई कोई आने का टाइम नहीं है और जाने का भी कोई टाइम नहीं है, अब सीन को छू है कि वो कहते हैं जब हमारे पास रेडी होता है तब हम आ जाते हैं और जब ख़त्म हो जाता है तो हम चले जाते हैं। ज़्यादातर आने का टाइम है 8 से 9 के बीच में और जाने का कुछ भी पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए, तो जब ख़त्म हो जाए तो चले जाते हैं, ये सीन है कुछ इस तरह। अच्छा दूसरी बात ये कि एड्रेस कहाँ पर है, ये है गुलाबपान हाउस, तो सबने देखा ही हुआ, हीराबाद में, हीराबाद के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं और गुलाबपान हाउस में, गुलाबपान हाउस के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं ताकि लोगों को मुश्किल ना हो ढूंढने के लिए, जगह भी बहुत अच्छी है, अंकल ने सेलेक्ट की है। तो बात कुछ हुआ है, अच्छा छोटा सा है, अच्छा सीन कुछ हुआ है, कल मैं आया था तो अंकल अपना स्टॉल समेट समाट के जा चुके थे, मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा, सबसे पूछ रहा भाई कैंटोन वाला कहें कैंट, अच्छा हाँ इनके स्टॉल का नाम है कैंटोन, तो मैं पूछ रहा भाई कैंटोन वाला कहें कैंटोन वाला, कोई समझ ही नहीं रहा, कह रहा भाई पता नहीं। फिर मैंने बोला भाई यार चावल वाला पूछता हूँ, पर सब हो सकता है बता दें। फिर मैंने सामने सैंडविच वाला खड़ा होता उससे पूछा भाई यार चावल वाला आता वो नहीं आया, अरे यार वो तो जा चुका ख़त्म हो गया उसका, अरे मैंने कहा यार लेट होगा, तो मैंने कहा भाई आज आपका भाई 8:30 बजे से खड़ा होता और अंकल 8:35-40 तक आ गए थे लेके, तो ये सीन है, तो कोई आने का टाइम ही ना जाने का है, तो मैं कह रहा हूँ 8 से 9 के दरमियान आके वेट करना पड़ेगा और रश भी इतना है देख ही लिया होगा, तो अभी ट्राई करके बताता हूँ। 400 और 300 चौड़ा
चलिए इनको पैक करके जो आप बना सकते हैं। चिली ड्राई है, एक मिनट, ये भाई का प्लेट है, मैं बना रहा हूँ आपको, जल्दी बता दो। एक कर रहे हैं कि वो अलग अलग चीज़ें, वो पैकेजिंग हमें थोड़ा सा जो है ना बंद कर दी, पैकेजिंग आ जाएगी इंशाल्लाह जो है, पैकेजिंग बहुत कॉस्टली पड़ रही है, हमें कम से कम 100 रुपीज़ बढ़ाने पड़ जाएंगे, हम चाह रहे हैं कि ना बोले दो शार्ट लिख दो और बेटा रुक जाओ, ये ऑर्डर बेटा, ये चिकन शाशी लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ क्या है? ये है चिली ड्राई, चिली ड्राई, ठीक है। ठीक है दादा, कंग पाव भाई ने कॉम्बो ले लिया है, मतलब तीन चीज़ें एक ही में डलवा ली ताकि भाई सब चीज़ एक साथ ट्राई हो जाए, सिर्फ सिंगापुरियन राइस ट्राई नहीं किया क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हो सकता ना इसमें जगह है, तो वो होता तो टेस्ट बिल्कुल ही अलग रहता, मैंने कहा यही काफ़ी है, अभी एक ट्राई करके देखते हैं। ये शाशलिक आ गया और कंग पाव और चिली ड्राई इसमें कहीं मिक्स हो गया है वो समझ नहीं आ रहा, अब खा के पता चलेगा टेस्ट जब आएगा मुँह में तो क्या सीन है, पहले ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस 400 है इसकी, क्योंकि इसमें कॉम्बो है, अलग अलग प्राइस तो वैसे ही मेन्यू में लिखी हुई थी, आप देख लेंगे या भाई से पूछूँ अगर टाइम मिला, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा भाई बताएंगे कुछ सीन, तो ट्राई करके देखते हैं और फिर बताता हूँ कि क्या सीन है। पहले शाशलिक से चखते हैं कि क्या सीन है, अच्छा यार ये मुझे लग रहा है चिली ड्राई लग रही है, कंग पाव ये कोने पे लग रहा है जो बिल्कुल ही ड्राई है, चिली ड्राई थोड़ा सा है सीन इसका, कुछ ट्राई करके देखते हैं। शाशलिक से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा है, ट्राई करते हैं कंग पाव और फिर देखते हैं क्या तीनों के तीनों। अब भाई कंग पाव की बारी, ये कंग पाव है तो वो आई नहीं रहा, आजा भाई अभी ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, देख कंग पाव यार दोनों से अच्छा है ज़्यादा। तो भाई टेस्ट कर लिया है और वहाँ से मैं निकल गया हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना शोर था कि मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा तो लोगों को क्या समझ आया। खैर भाई मैंने थोड़ा सा खाया और बाकी बंद करके अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि सीन कुछ हुआ है कि वहाँ पे सुकून से खाया नहीं जा सकता, तो मैंने कहा भाई घर पे जाके सुकून से खाऊँगा। तो अच्छा मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो लगा कंग पाव, कंग पाव सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि टेस्ट में भी थोड़ा अच्छा था और बस मिर्चें थोड़ी ज़्यादा थी। अभी कौन सा है, अल्लाह खैर करे, ओए अल्लाह खैर करे, निकल लो चुपचाप यहाँ से तो भाई, अड़े 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 भागो 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 भागो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, कंग पाव सबसे अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट में भी अच्छा था और थोड़ी मिर्चें ज़्यादा थी, वो तो पाकिस्तानियों को भाई पसंद है मिर्चें, और सिर्फ चिकन ही चिकन थी इस वजह से। दूसरे पर मुझे अच्छा लगा चिली ड्राई भी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि चाशलिक मुझे इतना पसंद नहीं आया और शाशलिक लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, तो जब ट्राई करो तो बताना क्या पसंद आ रहा है। अच्छा अब बात करते हैं क्वांटिटी की में ये सीन है कि भाई ये हाफ़ सर्विंग और फुल सर्विंग देते हैं, हाफ़ सर्विंग में ये है कि 250 का है और फुल सर्विंग 300 का है, हाफ सर्विंग मेरे ख्याल से एक बंदे के लिए काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से, और फुल देना पड़ेगा वो है 300 का। अच्छा मैंने लिया कॉम्बो, मैंने कहा सारे टेस्ट हो जाएंगे और तो कॉम्बो पड़ा मुझे 400 का, कॉम्बो में था चिली ड्राई और क्या था और शाशलिक था और कंग पाव था, ये तीनों चीज़ें थी। तो अच्छा आप कुछ और भी डलवा सकते हैं जो आपको सही लगे, तो ये सीन था, बाकी टाइमिंग वगैरह मैंने बता दिया, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।